थ्योरम बेटा। इंपल्स, मोमेंटम थ्योरम बेटा। ये जो बेटे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, इट स्टेट्स दैट बेटा इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट बेटा इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। और इस केस में इंपल्स आपका आई जो है एफ इंटू टी के बराबर बेटे हुआ करता है। दिस इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। ये बेटे मैथमेटिकल फॉर्म में आपका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। अब इसको बेटे फर्दर डिराइव करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, एफ जो है इट इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। आपने ये कल आई थिंक स्टेप्स एक बार किए भी थे, तो इट इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन बेटा। डी पी को आप एडजस्ट कर लीजिए, डी पी जो है आपका इट विल बी इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डी टी बेटा। अब आप इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल डी पी दिस इज इक्वल टू एफ इंटीग्रल डी टी टाइम जीरो टू टी। इमेजिन कर लीजिए मोमेंटम पी वन से पी टू तक आप ले सकते हो बेटा। जो चेंज इन द मोमेंटम है बेटा, इट इज इक्वल टू यूर पी, और आपका इंटीग्रल इसका मैं कह रहा हूँ चेंज इन द मोमेंटम के लिए, और दिस इज पी वन टू पी टू, इट इज इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ डी टी इज पी जीरो टू टी बेटा। राइट बेटे, बेटे हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, और आप अपर और लोअर लिमिट्स पुट कर दीजिए बेटे, आपके पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू एफ टी माइनस जीरो बेटा, एंड चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स दैट इज फोर्स इंटू टाइम, इनके प्रोडक्ट के बराबर आपको बेटा ये मिल जाएगा। इससे भी बेटे जरूरी हो जाता है, मैं एक बार स्टेप्स को बेटे रिपीट कर देता हूँ। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बेटे बेसिकली आपके इंपल्स और चेंज इन द मोमेंटम को रिलेट करता है। इसमें कहा जाता है कि जो इंपल्स है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम। इसको प्रूव करने की जरूरत होती है जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो चलिए, आजकल तो ऐसा है नहीं है, आपका पेपर सब्जेक्टिव रहा नहीं है, बट फिर भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। तो ये सेकंड लॉ से बेटे हमने स्टार्ट किया, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डीटी कर दिया हमने बेटा। देन इस इक्वेशन को बेटे हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका ये लिमिट्स पी वन टू पी टू ये जीरो टू टी आ जाएंगे। डी पी का इंटीग्रल इट विल बी पी, एंड dt का इंटीग्रल इट विल बी टी, p1 टू p2 0 टू t आ गया जी। और आपने कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पुट करके इसको बता दिया कि ऐसे है। अब बेटे आइए थोड़ी सी और इस रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करके देखें। लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, आपने लिखा ही हुआ ऑलरेडी। ओके, इस अगर ये वाला पार्ट रद्द कर दूं, फिर मैं ये वाला आपने किया ही हुआ है, ये तो रेपिटेशन ही है, रिवाइज ही कर रहे हैं ना। एक हम बेटे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस रिलेशनशिप की डिस्कशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर बेटे मैं ऐसे लिख लूं, आपका जो चेंज इन द मोमेंटम है p2 माइनस p1 है, इट इज इक्वल टू एफ इंटू टी के बराबर का है ये। राइट बेटे, अगर हम बेटे इस राइट साइड को देखें, ये फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर का है।
अगर मैं फोर्स को इंक्रीज कर दूं तो टाइम कम हो जाएगा, अगर फोर्स को डिक्रीज कर दूं तो टाइम बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स बेटा, आई जस्ट मीन टू से दैट अगर मैं फोर्स और टाइम को बच्चों प्लॉट रख लेता हूं, फोर्स मेरे पास इस तरफ आ गया, टाइम बेटे मेरे पास इस तरफ आ रहा है, और ये मान लीजिए F1 फोर्स हमने अप्लाई किया, F1 फोर्स फॉर ए टाइम से T1, और आपके पास ये ग्राफ बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, F फोर्स को बेटे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, फोर्स आपका अब F2 हो गया, यहां तक आ गए आप, और आपका टाइम जो है उतना कम हो जाएगा, टाइम विल बी T2। इन सिंपल वर्ड्स बेटा, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये देख पा रहे हो ना, ओ ए बी सी, ये पॉइंट सी अगर कह लो आप, ये एरिया ओ डी ई और एफ के बराबर आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। फिर से देखिएगा बेटा, आप अगर रेक्टेंगल अपना ओ ए बी सी देखो, इसमें F1 फोर्स T1 टाइम के लिए एक्ट कर रही है, ब्रेड्थ इनटू लेंथ कह लो, जैसे मर्जी कह लीजिए आप, एंड रिक्टेंगल आपके पास आ गया ओ डी ई एफ, इसमें ये आपका इसको लेंथ बोल दोगे अब आप F2 को, और टाइम आपका T2 आ जाएगा। और पुत्र बात हो ही रही कि अगर आप अपना टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज कर देते हो, then the magnitude of the force will become less and vice versa। एक छोटा सा example और दूंगा आपको बेटे इसी के साथ related। मान लीजिए जैसे ये चौक का पीस है, ये मेरे पास एक आयरन का नेल है, इसको मैं इस दीवार में लगाना चाहता हूँ। We will strike it with the help of the hammer, maybe repeatedly हमें strike करना पड़े। अगर आपका hammer बहुत heavy है, 5 kilogram का hammer है, आप प्रोबेबली एक बार ही ऐसे जोर से हिट करोगे तो आपका ये नेल दीवार में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका हैमर लाइट है, हमने ये भी तो देखना है कि हम उतना हैमर उठा भी पाए, अगर हम ही गिर गए वो हैमर उठाकर तो फिर काम क्या होगा बेटा। अगर आपका हैमर छोटे साइज का है, हम रिपीटेडली उस पर स्ट्राइक करेंगे, ऑब्वियसली आपका इम्पल्स जो है सेकेंड सिचुएशन में इट विल बी लेस फॉर ईच टर्न बेटा। इन दिस वे आप बेटे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को फोर्स और टाइम के साथ रिलेट करके सोच सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, राइट बेटा। देन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कंप्लीट करने के बाद आपके पास बेटे कोलिजन का कंसेप्ट था, शुड आई कंटिन्यू विद दैट और एनी अदर पॉइंट यू वांट टू डिस्कस और शेयर, बताइए नमन और आप दोनों भी पुत्र। नहीं कुछ नहीं बताना आपने, ओके नाइस। सो बेटे मैं इलास्टिक कोलिजन, आपका काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी डेरिवेशन आपने की होगी, लेकिन डियर चिल्ड्रन बिकॉज अब देखिए आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो फिट नहीं बैठेगी, आपको रिजल्ट्स जो हैं उनको याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो मैं बेटे डेरिवेशन के जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो कर देता हूँ, बाकी रिजल्ट्स आपके सामने अपने आप आ जाएंगे बेटा। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बेटा, बेटे जब भी हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन की खास बात ये है कि इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है बेटा, और टोटल एनर्जी जो है ये भी कंजर्व्ड रहती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आप इसको बोल देते हो, इट इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच आर हेडिंग फॉर द कोलिजन और व्हिच आर कोलाइडिंग। एक
छोटा सा एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, आपके पास एक बॉल है, m1 मास है, u1 इसका बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है, m2 एक और बॉल है और u2 इसका वेलोसिटी है, ये बेटे दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद आपका m1 बॉल जो है ये v1 वेलोसिटी से और m2 बॉल जो है v2 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बेटे आपका मोमेंटम कंजर्व्ड है। आप कहोगे इस केस में m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बेटा ये आ जाएगा। और बेटे अगर मैं एडजस्ट कर लूं टर्म्स को m1 और m2 को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे, इट विल बी m1 इनटू u1 माइनस v1 एंड इट विल बी m2 इनटू v2 माइनस u2 आ जाएगा जी, राइट जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है हमारी, तो वी कैन राइट 1 बाई 2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 m2 u2 का स्क्वायर, इट इज 1 बाई 2 m1 v1 का स्क्वायर, 1 बाई 2 m2 एंड v2 का स्क्वायर, इट विल बी देयर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द इंपैक्ट और द कोलिजन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम, हाफ आपका दोनों साइड्स पे कॉमन है, कट जाएगा बच्चों। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, देखना जरा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इट इज m2 v2 स्क्वायर माइनस बेटे u2 स्क्वायर, जरा चेक करिएगा डियर चिल्ड्रन, नमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली टाइप है ये, आप बच्चों इसको a माइनस b a प्लस b, इट इज m2 a माइनस b a प्लस b करके लिख सकते हो, है ना। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये वाली को इससे डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, बेटा आप डिवाइड कर दीजिए इसको, और इट वाज m1 u1 माइनस v1, इधर डिवाइड कर दीजिए m2 v2 माइनस u2, ये देखिए m2 कट गया, इधर m1, इधर ये और इधर ये भी कट गया, राइट। आपके पास जो चीज बच गई है दैट इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 बची है ना। यहां पे डायरेक्टली हम e को 1 के बराबर प्रूव भी कर सकते हैं इस स्टेप से बेटे, आइए देखें हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस को यहां पे डिस्कस करके प्रूव कर सकते हैं। आइए कंसंट्रेट करके देखें बेटा, मैं इसको v1 को उधर ले जाता हूं, u2 को इधर ले जाता हूं, आई विल गेट u1 माइनस u2 v2 माइनस v1 हो गया, ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन है, इसको मैं इधर ही ले जाता हूं, इट विल बी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये सारा देखिए जरा ध्यान से, दिस इज इक्वल टू e है, सो e आपके पास आ जाएगा बेटे 1, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस इज इक्वल टू 1 फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हमारा काम सिर्फ इसको डिस्कस करना डिराइव करना नहीं था, हमने बेटा हमारा जो कोलिजन के रिजल्ट्स हैं उनको भी देखना है, उसके लिए बेटे लेट मी वंस अगेन राइट दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर दैट आई विल बी नीडिंग u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 है, आप यहां से v1 को निकाल लीजिए, v2 प्लस u2 माइनस u1 आ जाएगा बेटा, ये v1 का वैल्यू आप यहां पे पुट कर इस इक्वेशन में, और आइए देखें पुट करके हमें क्या मिलता है, यहाँ पे
we will be having that M1, it is U1 minus V1, देख लीजिए, V2 plus U2 minus U1, यहां पे वैल्यू पुट की है मैंने, इट इज M2 एंड V2 minus U2 आ जाएगा बेटा, चेक करिएगा जरा, इसको ब्रैकेट को पहले खोल देते हैं जो इंटीरियर में है, M1 U1 minus V2 minus U2 minus minus plus U1, it is M2 and V2 minus U2 आ जाएगा बेटा, और देखो U1 and U1 ये दो टर्म्स हैं आपकी, आप ऐसे कर लीजिए बेटे, आपको क्योंकि V2 चाहिए है, आप इसको भी ब्रैकेट को पहले हटा ही दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है, M1 U1 M1 V2 M1 U2 M1 U1 M2 V2 M2 U2, राइट, V2 वाली टर्म्स आप इकट्ठी कर लीजिए, ये दो हैं, इसको आप इधर ले जाओ, इधर ये आ जाएगा M2 V2 ये वाला प्लस M1 V2, इसको उठाकर इधर ले आइए, यू विल गेट M1 U1 प्लस M1 U1 कितना बन गया 2M1 U1 प्लस M2 U2 बन गया, मैं चेक करिएगा जरा कोई टर्म फालतू या कम तो नहीं रह गई, इधर से आप V2 को कॉमन ले लो, M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू बेटा 2M1 U1 प्लस M2 U2 आ गया, और V2 फिर आपके पास बेटी क्या बन गया M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपके पास बेटी V2 वेलोसिटी बन गई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मैं इधर से अपने की लिख लेता हूं, V2 इज इक्वल टू M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज योर V2 बेटा, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, V1 भी निकल आएगा, इसको यहां पुट कर दीजिए ना, यहां पे आपको V1 भी मिल जाएगा, आइए देखें फटाफट करके देखें, फिर रिजल्ट्स का एनालिसिस तभी कर पाएंगे ना बेटा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स हमें बेटे याद होने चाहिए अब, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन पैटर्न रादर, आपके रिजल्ट्स रिमेंबर रखने जरूरी, वी वन अब आपका देखिए, V2 की वैल्यू थी जी M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, और इट इज 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, V2 पुट कर दिया मैंने, प्लस U2 माइनस U1, कर लें ऐसे, ठीक है ना बेटा, इसमें देखो U2 और ये U2 ये टर्म्स इकट्ठी हो सकती हैं, आपके पास आएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 इनटू U2 देन प्लस ये U1 इनके पास है 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस 1 इनटू U1, जरा चेक करिए ऐसा है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा जी V2 आपका था बेटी V हाँ M2 कहाँ पे
ये वाला यहां, अच्छा यहां पे माइनस है ये कह रहे हो, अच्छा ये हमने डिफरेंट लिख दिया एम वन, हाँ जी यू टू राइट बेटे, ठीक है यू वन और ये यू टू ही है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। सो फिर आपका डिफरेंट हो जाएगा ये रिलेशनशिप बेटा, इसको थोड़ा अभी हमें रीराइट करना पड़ेगा, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे, ये आपके पास फिर यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व साथ ही। वी वन विल बी एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू यू वन प्लस ट्वाइस ऑफ एम वन यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस यू टू माइनस यू वन, यू टू वाली इकट्ठी कर लेते हैं यू वन वाली इकट्ठी कर लेते हैं। वी वन आपके पास आ गया एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, यू वन और यू वन इकट्ठा किया आपने, दिस इज देयर, देन बेटे प्लस टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस वन इन टू यू टू कर दिया जी, ठीक है जी। वी वन फिर आपके पास बेटे बन जाएगा, चेक करिएगा जरा, एम वन प्लस एम टू ये आपके पास था ही, एम वन माइनस एम टू माइनस एम वन एंड माइनस एम टू आ गया बेटा, और इंटू यू वन प्लस बेटे आपके पास आ गया यहाँ पे ट्वाइस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, यहाँ पे माइनस वन चाहिए था, देखना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है जी। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे हमारे तीन केसेस बेटे राइज होते हैं। पहला केस ये है कि अगर आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं एम वन और एम टू मास के, इनका इक्वल मास हो जाए तब क्या होगा, तो इस केस में प्रैक्टिकली हम कह देते हैं बेटे कि जो आपके कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं आफ्टर द कोलिजन दे विल बी मेयरली इंटरचेंजिंग देयर वेलोसिटीज, जो वेलोसिटी यू वन की है वो यू टू की आफ्टर द कोलिजन बन जाएगी, जो वेलोसिटी आपकी यू टू है वो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वी वन बन जाएगी। सेकेंड केस में बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, अगर आप इमेजिन कर लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट, बी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी आप जीरो सारी जगह पुट कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके ये तीनों केसेस अराइज हो जाते हैं कि कैसे कैसे आपने ये वेलोसिटीज के साथ डील करना है। इन नटशेल बेटा मैं ब्रीफली अगर चीजों को एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, आपका टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस विल बी इक्वल टू वन, और उसके बाद आपके तीन जो सब स्पेशल केसेस बनते हैं इनको याद रखिएगा बेटा। और इसके बाद फिर बेटे मैं आपको साथ ही साथ इसके साथ आपका जो है इन इलास्टिक कोलिजन इसमें एनर्जी का कितना लॉस हो जाया करता है, बिकॉज इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, जो आपका इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस विल बी जीरो बेटा, मोमेंटम नो डाउट इसमें बेटे कंजर्व रहता है, पी इट इज कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी इट इज नॉट कंजर्व बेटे, ये कंजर्व नहीं होती। आइए छोटा सा देखें बेटा सॉल्व करके, ये आपके पास एम वन मास का ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी यू वन, एम टू मास का ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट, ये मूव नहीं कर रहा है, ये आकर इसके साथ कोलाइड हो गया, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर गए, इकट्ठे हो गए हैं, स्टिक करने के बाद दोनों ही कॉमन वेलोसिटी वी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा,
बच्चों बिकॉज मोमेंटम कंजर्व्ड है, आपका एम वन यू वन इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है, इसका मोमेंटम तो जीरो ही है बिकॉज ये रेस्ट पे है। इधर ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, मास आपका एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, इंटू वी कर लोगे आप, और आपके सिस्टम की जो कॉमन वेलोसिटी है इट विल बी एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू आपको मिल जाएगी आपके सिस्टम की कॉमन वेलोसिटी। ठीक है जी, अब आप क्या करने वाले हैं बेटे कि लॉस ऑफ द एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जितनी एनर्जी पहले है और जितनी एनर्जी बाद में है इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सिस्टम की एनर्जी पहले कितनी थी आपकी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटे डेल्टा ई निकालने जा रहे हैं, 1/2 एम वन यू वन स्क्वायर थी इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर इट इज 1/2 एम वन प्लस एम टू इंटू कैपिटल वी का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। कंबाइंड वेलोसिटी तो वी है ना दोनों की, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वन प्लस एम टू, और वी कितना था आपका एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इसका कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए आप, इज 1/2 एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वन प्लस एम टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम वन यू वन का स्क्वायर एम वन प्लस एम टू का कंप्लीट स्क्वायर, ये एक पावर कट जाएगा राइट। इसके बाद फिर आपके पास बेटे कौन सी चीज बची, आइए चेक करके देखें, सोच के देखें इसके बारे में। डेल्टा ई आपको मिलेगा 1/2 एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर एम वन प्लस एम टू। जरा चेक करिएगा बेटे कोई टर्म कम तो नहीं रह गई हमारी, देख लीजिएगा बेटे जरा, एक स्क्वायर था ना हमारा, एक पावर तो हमारी एडजस्ट हो गई कट गई, और एम वन का भी स्क्वायर हमने लिख लिया, यू वन का भी लिख लिया, डिनोमिनेटर में वो रह गया एस एच, तो आई थिंक कोई टर्म नहीं रही है ना बेटा। सो डेल्टा ई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये फिर आपका बच्चों देखिए एलसीएम बन गया जी, 2 m1 + m2 एम वन यू वन का स्क्वायर एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन का स्क्वायर एंड यू वन का स्क्वायर। चेक करिएगा, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं अब, इट विल बी एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर एम वन एम टू यू वन का स्क्वायर एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर एम वन प्लस एम टू राइट जी। ये बेटे आपका कट गया, इसके साथ बराबर ही है दोनों कट जाएंगे आपके, और आपके पास बच गया एम वन एम टू अपॉन ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू इंटू बेटा यू वन का स्क्वायर। और अगर आप देखो इसको ध्यान से देखोगे अगर आप, तो मास तो कभी आपका वैसे ही नेगेटिव होता बेटा, मास तो पॉजिटिव ही रहता है ना, और ये आपका वेलोसिटी का स्क्वायर है इट विल आल्सो बी पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी है यहाँ पे डेल्टा ई जो है इट इज मोर देन जीरो, और अगर ये जीरो से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है राइट बेटे। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई योर कंजर्वेशन ऑफ बेटा मोमेंटम इन द केस ऑफ योर बेटा इन इलास्टिक कोलिजंस इन वन डायमेंशन। इस चैप्टर में और कोई आपका पॉइंट बेटे है तो बताइए, नहीं तो फिर देखिए आगे। नमन, बाकी सारा क्लियर है?
बेटे मैं थोड़ा सा हमारा जो कंसेप्ट है वर्टिकल सर्कल का उसके बारे में थोड़ी बेसिक सी बात करनी चाहता हूँ। कंप्लीट तो आई डोंट थिंक कि होएगा नहीं, टाइम कम रह गया है, थोड़ी बेसिक सी बात कर लें उसके बारे में, बिकॉज दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, और उसके साथ रिलेटेड हम। अच्छा बेटे जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? बैंकिंग एंगल क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स का मीनिंग क्या है, अगर है तो बता दीजिए बेटे। हाँ जी नमन, इधर बच्चे बैठे जो हैं सारे स्टूडेंट्स बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड्स का किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? अंजलि, हरनूर, जैकलिन, ख्याति, मनजोत, राघव, रमन, दिशा, गुरसिमरन, हरमन, रोल नंबर 26, अदिति, सहज और बाकी के स्टूडेंट्स बेटा, किसी का भी कोई इसमें बैंकिंग ऑफ द रोड्स में तो कोई बेटे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी को? सर एक बार करवा दो। ठीक है बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड्स बेटे क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स? सबसे पहली बात तो यह है कि बैंकिंग की नीड क्या है, नीड फॉर बैंकिंग ये क्या है? ये आपका बेटे एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे आपका व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका व्हीकल यहाँ पे है, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन r, इट विल बी एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपका सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट किया करता है। और यहाँ पे आप ये भी जानते हो बेटे आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ जो है दैट इज mv² / r, और एफ आपका बेटे डेफिनेटली म्यू इनटू आर के बराबर हुआ ही करता है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आर आपका जो है mg के बराबर भी है, आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास म्यू इंटू आर mv² / r आ जाएगा, एंड आर इज इक्वल टू एम इंटू जी भी है, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए mv² / r, और डिनोमिनेटर में mg बन गया, दिस इज म्यू इंटू आर अपॉन आर, आर कट गया, एम भी कट गया, वी का स्केयर जो है आर को इस तरफ ले जाइए, म्यू इंटू आर आपका कैंसिल आउट हो रहा था, mv² / r ये रेडियस आएगा आपका स्मॉल आर इसका सर्कुलर ट्रैक का, म्यू आर जी के बराबर आ गया, एंड वी विल बी रूट म्यू इंटू आर इंटू जी, इसमें रेडियस नहीं आप बदल सकते, जी नहीं बदल सकते, म्यू आपके हाथ में नहीं है, अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हो बारिश हो गई अचानक से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द टायर्स एंड द रोड बदल गया, आपको अपनी स्पीड बदलनी पड़ जाएगी, तो अब क्योंकि ये रिलायबल फैक्टर नहीं है इसीलिए हमें बैंकिंग की जरूरत पड़ती है बेटे, सो फिर बाकी का काम नेक्स्ट टाइम पे करते हैं बेटे, सो थैंक यू ऑल बेटा, ये फिर मैं टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटे कंप्लीट करवाता हूँ।